नमस्कार, आर के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं लेडीज बूट लेकर आई हूँ जो मैंने 3 कलर में बनाया है। ये देखो, ये मैंने एक डिजाइन डाला है, इसमें हमने 3 कलर डाले हैं। आप बची हुई ऊनों का भी बना सकते हो, जो आपके पास बची हुई ऊन हो थोड़ी थोड़ी उसका भी बन जाएगा। ये देखो, कोई मुश्किल नहीं है, ये भी सरली ही है। ये मैंने डोरी सी डाल ली है बनाकर, आपको ऊपर टाइट खुला लगे तो आप टाइट कर सकते हो। ये नीचे से शुरू होता है और ऊपर की तरफ आता है। ये 5-6 जुत्ती के साइज वाले को आराम से आ जाएगा। चलो आपको बनाना सिखाते हैं। ये मैंने 70 फंदे डाले हैं। 70 फंदे डाल के एक मैंने सीधी और एक मैंने उल्टी हुई सिलाई सीधी ही डाली है। ये वाला हम हिस्सा बनाएंगे, ये नीचे वाला। ये देखो, 70 फंदों में मैंने इसको 4 डिवाइड कर ले इसके, मैंने जहाँ हमने एक एक फंदा हर सिलाई बढ़ाना है, सीधी सिलाई में हमने एक एक फंदा बढ़ाना है। ये देखो, मैंने निशान इसलिए लगा लिए कि आपको मुश्किल ना हो बताने के लिए। पहले फंदा सीधा उतार लेना, एक फंदा बुन लिया, फिर धागा ऐसे कर देना, जाली नहीं डालनी, सिर्फ बुनना डालना ऐसे 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 भी कर सकते हो, यहां से भी उठा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 फंदे डाल के फिर हमने एक फंदा बढ़ाना है। हमने 70 फंदे डाले थे और 90 फंदे हमने करने हैं। 70 फंदे डाल के 90 फंदे हमने करने हैं। फिर 22 फंदे हमने डाल के हमने इसको 22 फंदों में डिवाइड कर लिया। ये 22 फंदे हो गए। फिर हमने जाली डाल ली, जाली नहीं डालनी, सॉरी, इसको फंदा ही बढ़ाना है। चाहे आप यहां से उठाकर बढ़ा लो, चाहे आप यहां ऐसे करके बढ़ा लो। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22 फंदे फिर धागा आगे करके आपने ऐसे करके ऐसे, चाहे यहाँ ऐसे कर लो, चाहे यहाँ से उठा लो, वो आपकी इच्छा है।
उल्टी सिलाई में भी हमने सीधा ही बुनना है। ये देखो ये फंदा जो हमने बढ़ाया था ना, इसे हम पीछे से बुनेंगे ऐसे करके। चाहे इसको ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। बाकी सीधे ही, इससे जाली नहीं पड़ती। जो हमने फंदा बढ़ाया था ना, चाहे उसको उतार के अब ऐसे सिलाई में डाल लो। एक एक अब हमारे चार फंदे इकट्ठे बढ़ते हैं, ऐसे हमने 20 फंदे बढ़ाने हैं। हर सिलाई चार फंदे बढ़ेंगे और हमने 20 फंदे हमारे कितनी हमने बनानी है, 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ, 6 सिलाइयाँ हमने ये वाली करनी है, ये वाली 6। ये देखो फिर फंदा वही वाला आ गया ऐसे। फिर आ गया एक सीधा बुन के, फिर आपने ऐसे ऐसे आप पूरा सात, ये सात कितनी है, 1 2 3 4 5 6 6 जो आप कर लो, फिर आगे आपको मैं बताती हूँ। इतना बना लो, आपने 70 फंदों को 80 फंदे बढ़ाने हैं बस, 70 फंदे मैंने डाले थे, 90 फंदे हमने करने हैं। इतना कर लो फिर आगे आपको मैं बताती हूँ। ये देखो ये पूरा मैंने 90 फंदे 90 फंदे मैंने पूरे कर लिए। अब हमने ये वाला वाइट वाला डिज़ाइन शुरू करना है। इसके लिए एक दो तीन और चार फंदे, चार फिर दो फंदे हमने उतार लेने, एक दो तीन
चार, पांच और छः, इतने का ये डिज़ाइन है हमारा। चार छः दस तो 12 फंदे का हमारा डिज़ाइन है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, इसको हमने फिर रिपीट करते जाना है। एक दो तीन और चार, 10 फंदे हमारे ये हो गए। फिर दो फंदे हमने उतार लेने, फिर 10 फंदे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और 10, 10 फंदे वाइट डाल के फिर दो फंदे हमारे ये उतार लिए, फिर 10। ऐसे आपने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी। एक दो तीन चार, 10 फंदे लेके दो फंदे अपने उतार लेने, ऐसे पूरी सिलाई कंप्लीट कर लो। जो लास्ट फंदा भी हमने सीधा ही बुन जाना है, देखो उल्टी सिलाई। तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 से लास्ट में हमारे फंदे 11 थे। फिर दो फंदे ऐसे उतार लेने, फिर 10 फंदे ऐसे आपने एक सीधी और उल्टी सिलाई और डाल लो, उस तो आगे आपने फिर डिज़ाइन शुरू करेंगे। ऐसे पूरी आप एक सीधी उल्टी सिलाई और डाल लेनी। ये वाले फंदे नहीं बुनने, पिंक वाले ये हमने छोड़ देने, बाकी फंदे बुन के एक सीधी और एक उल्टी और डाल लो। देखो अब मैंने चार सिलाइयाँ वाइट चला लिया, चार 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 सिलाइयाँ की है 29 है। अब हमने चार सिलाइयाँ ये वाली चढ़ानी है, ये वाली ये कलर लगाएंगे। धागा साथ साथ ले जाएंगे क्योंकि बीच में से निकल ना जाए। ये दो फंदे आ गए, ये हमने ऐसे ही उतार लेने, ये नहीं बुनने। ये दोनों ऐसे उतारते जाना। दस दस फंदे बुनते जाना और दो फंदे अपने उतारते जाना ये वाले।
चार सिलाइयां हमने इसकी डार्क कलर की चलानी है, फिर वाइट चार, उल्टी सिलाई में हमने इसको सीधा ही बुनना है, सीधा उल्टा नहीं बुनना, सीधा। धागा आगे, दो फंदे उतार लेने ऐसे, धागा फिर पीछे, फिर 10 फंदे हमने बुन लेने। फिर धागा आगे, दो फंदे उतारे, धागा पीछे, ऐसे आपने सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी। और एक सिलाई सीधी और सीधी सीधी दो सिलाइयाँ और चढ़ा लेनी। एक और आपको फिर दिखा देती हूँ, सीधी सिलाई चढ़ानी है, 10 फंदे बुन लिए, धागा अपनी तरफ करके दो फंदे उतार लेने, ये दोनों। धागा फिर पीछे करके फिर आपने ये बुन लेने, ऐसे आप पूरा कंप्लीट कर लो, दो और चढ़ा लो ऐसे। ये देखो, ये मैंने चार सिलाइयाँ इसकी बुना ली है, ये देखो। अब हमने फिर वाइट बनाना, आगे हमने चार फंदे डाले थे ना स्टार्टिंग में, अब हमने 10 फंदे लेने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये चार छोड़ के फिर दो फंदे हमने ऐसे, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर हमने दो फंदे ऐसे उतार लेने, ये देखो। दस फंदे बुन के दो फंदे उतारने, फिर 10 बुनने। इधर आगे हमने चार रखे थे, लास्ट में भी चार ही आएंगे इधर। वाइट धागे दिया भी ऐसे हमने चार सिलाइयाँ बना लेनी है। चार पांच, दो फंदे उतार लेने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर दो फंदे उतारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फिर दो फंदे उतारे, जैसे हमने ये वाइट बुना था ना ऐसे वाइट ये बुन लेंगे। फिर इसके ऊपर हमने इस कलर का जैसे हमने ये बनाया था पैटर्न, ऐसे ऊपर ये पैटर्न बना देंगे सेम डिट्टो। ये दो दो छोड़ के हमने ऐसे ही बना देना, उसके आगे आपको मैं बताऊंगी फिर कैसे बनाना। ये देखो मैंने पूरा कर दिया, पहले जहां से चार फंदे वाइट रखे थे, फिर
फिर 10 रखे, फिर 4 और फिर 10, ऐसे मैंने 3 डाल लिए। अब देखो क्या करना है, देखो मैंने 70 फंदे डाले थे, 70 फंदे डाल के 20 फंदे मैंने बढ़ाकर और 90 फंदे कर लिए। फिर हम इन 90 फंदों को हमने डिवाइड कर दिया, 20, 19, 12, 19 और 20, 20, 19, 12, 19, 20, ये देखो। अब इनको हमने डिवाइड करके अब हमने इसको ये देखो, ये मैंने डिवाइड कर लिए, ये 20 फंदे रख दिए, ये 19 फंदे और ये 12 फंदे हैं, मैंने 12 फंदे ही बुनने हैं अब ये वाले। ये वाला हिस्सा बना रहे हैं हम, ये वाला सिर्फ इतने फंदे हमने 12 फंदे ही बुन के हमने साथ साथ ये फंदे बंद करते जाना है। ये धागा साथ साथ ले जाते हैं क्योंकि फंदे निकल ना जाए। ये हमारे 12 फंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये फंदा हमने यहाँ हमने 2 का 1 कर देना। ये 19 फंदे जो है ना हमने बंद करने हैं, इधर से भी 19 और इधर से भी 19। वापस ये हमने सीधी सीधी सिलाइयां ही डालनी है। ये फंदा एक छोड़ दिया, यहां भी हमने 2 का 1 कर देना। वापस जी 19 फंदे हमने बंद करके बिल्कुल सीधे सीधे जाना। ये देखो ये फंदे से पहले एक फंदा इधर से ले लेना, 2 का 1 करते जाना। इतने फंदे हमने बंद करने इधर से और इतने फंदे इधर से, इतना करके आप सीधी सीधी सिलाइयां से पूरा बुन लो, फिर आगे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखो ये बना के मैंने पूरा बन गया। ये सारे फंदे हमारे अब 52 फंदे हो जाएंगे।
क्योंकि ये दोनों हम बंद कर दिए, ये तीनों हम मिलाकर 52 फंदे बन जाएंगे। ये ऊपर 52 फंदे हैं। जो आपको ज़्यादा लगे तो आप थोड़ा एक एक फंदे और भी कम कर सकते हो, जहाँ हमने 19 फंदे बंद किए वहाँ 20 फंदे बंद कर सकते हो, आपने टाइट बनाना हो तो, ये और टाइट बनाना हो तो और फंदे बंद कर सकते हो। अब क्या करना, अब जारे सारे हम ये कटिंग कर देंगे धागा। ये सारे फंदे हम इस सिलाई में डाल लें। ये देखो, अब हमने फिर ये वाला कलर लगाना, क्योंकि हमने ये बनाया था, अब इसकी बारी है। वैसे आपने जैसे नीचे बनाया था ना, वैसे ही 10 फंदे ये करके, 2 उतार लिए, फिर 10, दो, तीन, चार, धागा साथ साथ ले जाएंगे। पांच, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर 2 फंदे उतार लेंगे, या फिर आपके फंदे 8 फंदे आएंगे, 10 नहीं आएंगे। ये 2 फंदे उतारने के बाद 1, 2, 3, 4, फिर 2 फंदे जे, जहाँ से आपको थोड़ा लगेगा लेखा लगेगा, क्योंकि 2 फंदे ये हमारे इसी कलर के हैं। ऐसे आप करके ऊपर वाइट एक, फिर ऊपर ये वाला कलर और डालना, उसके बाद फिर हम ये बॉर्डर बनाएंगे। ऐसा कर लो, फिर आगे आपको दिखाती हूँ क्या करना। दो फंदों का आपने ध्यान रखना है कि बुन ना हो जाए, ये 2 फंदे उल्टी सिलाई सीधी, जैसे आप डालते ही हो ऐसे बना लो। ये देखो, ये बन गया। ये बनने के बाद देखो ऐसा लगता है। अब हमने सीधी सीधी सिलाइयां चढ़ा के ये बॉर्डर बनाना है, ये वाला जो मैंने 2 डाल लिए, 2 और डाल के फिर जाली डालेंगे, बीच बीच में सुराख करेंगे जो कि हम डोई डाल सकें। ये एक सीधी और उल्टी सिलाई डाल लो, फिर आगे आपको मैं दिखाती हूँ कैसे डाली डालनी। ये देखो, ये पूरा बन गया। अब हम जाली डालेंगे, 3 फंदे पहले बुन लेने, 3 फंदे डाल के धागा आगे 2 का 1, एक, 2, 3, धागा आगे 2 का 1, एक, 2, 3, धागा आगे 2 का 1, 1, 2, 3, धागा आगे 2 का 1, 1, 2,
तीन धागा आगे, दो का एक, ऐसे आपने पूरा कंप्लीट कर लेना। एक दो और तीन, आप अपने हिसाब से भी जाली डाल सकते हो जितने जितने छोड़ने हों। ऐसे पूरा कंप्लीट करके दो सीधी सीधी सिलाइयां और चढ़ा के फिर हम इसको बंद कर देंगे। एक दो और तीन धागा आगे, दो का एक, ऐसे पूरे दो सिलाइयाँ और आप चढ़ा लें। जी कुल मैंने एक दो तीन चार, चार की है जी हमने, दो हो गई, दो और डाल के चार करनी है। देखो एक दो तीन चार, चार करके फिर हम बंद कर देंगे। ये देखो मैंने पूरा करके ऐसे बंद कर देना है आपने, सिंपल जैसे हम वैसे स्वेटर करते हैं। ये देखो ये बनके तैयार हो गया। अब हम यहां से सिलाई कर देंगे। ऐसे आप पूरी सिलाई कर लोगे, ये पूरा बंद कर देना ऐसे, यहाँ से और नीचे से भी ऐसे पूरी सिलाई करके फिर इसमें आप डोरी डाल सकते हो। ये देखो क्रोशे के साथ मैंने बनाई है, सिंपल क्रोशिया। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपको।